बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद एनएस। आज मैं बनाऊंगी लच्छा पराठा बिल्कुल होटल स्टाइल में, जैसे बिना मेहनत के होटलों वाले जो है कि बहुत ज़्यादा लच्छे तैयार कर लेते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से मैं बनाऊंगी। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। लच्छा पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे ये आधा कप दूध है, आधा कप से भी छोड़ा, ये 4-5 जो टेबल स्पून है। इसमें मैं ये आधा चम्मच डालूंगी, टीस्पून है ये वाला टीस्पून मैंने लिया नमक का, 1 टीस्पून ये वाला मैं डाल रही हूँ। चीनी पिसी हुई मेरे पास है तो मैं पिसी हुई डाल रही हूँ, आप लोगों के पास साबुत है तो वो डाल के इसमें ऐसे मिक्स हो जाएगी। ये 4-5 टेबल स्पून तकरीबन मैं पानी का डाल रही हूँ, इन सबको ऐसे मिक्स कर लेंगे। दूध डालने से ये आटा जो है वो अच्छा हो जाता है, उसमें जाके सॉफ्ट हो जाती है रोटी जो होती है इसकी। सबसे पहले मैंने ये मिक्स कर ली है ये तीनों चीज़ें। अब मैंने ये 2 कप भर के लिए है मैदे का और आधा कप मैंने लिया है गंदम का आटा, गेहूँ का आटा मैंने लिया था, ये इसमें डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। चलो ये आटा मैंने 5 मिनट ऐसे गूंद गूंद के इसको जो है वो नरम कर लिया है। 5-6 टेबल स्पून मेरे लगे हैं दूध के और आधा 1.25 कप जो है पानी का लगा है। ये 2 कप मैदा था और आधा कप इसमें वो गेहूँ का आटा था। इसको ऐसे गूंद के इसको मैं कवर करके रख दूंगी 10 मिनट के लिए, रेस्ट दे दूंगी ऐसे चॉपर से कवर करके। लहरमान ये रखे हुए हमारे आटे को जो है वो 5 मिनट हो गए हैं। अब इसके ऊपर मैं हल्का हल्का ये घी लगा दूंगी, इसके पेड़े बनाएंगे। हम दरमियाने साइज के पेड़े बना लेंगे तकरीबन रोटी के जितने। मैं इसके 4 पेड़े बना रही हूँ। मैदा हम इसको नहीं लगाएंगे, अब खुश्क मैदा नहीं लगाएंगे, ऐसे थोड़ा सा घी लगाया मैंने, ऑयल लगा लें अब घी लगा लें, ऐसे नीचे भी इधर परात को लगा के ऐसे पेड़े करके फिर इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे कवर करके। ये पेड़े मैंने बना लिए हैं, अब इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा मैंने घी लगा दिया है, अब इसको फिर से कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने अब 1 पेड़ा ले लिया है, इसको मैंने घी लगाया है जो मैंने मेल्ट कर लिया है, ऑयल भी लगा सकते हैं घी भी, इसको ऐसे मैं इसके साथ फेर लूँगी पूरे इसके साथ ना गोल इसकी रोटी बना लेंगे। पतली सी इसके अब गोल एक रोटी बना लेंगे, उसके बाद इसके बलुच्चे बनाएंगे। मैंने इसकी पतली सी एक रोटी बना ली है, अब इसको इसके ऊपर से ज़रा हटा देंगे जो ऊपर लगा हुआ है, इसको ऐसे ऊपर कर दूंगी मैं, ज़रा जितनी बड़ी हो सके उतनी बड़ी आप बना लें। इसके ऊपर फिर मैं ये घी लगाऊंगी 1-2 चम्मच, 2 चम्मच मैंने घी लगाया, ऐसे ब्रश है तो ब्रश की मदद से कर लें, नहीं तो हाथ की मदद से ऐसे इसको ऊपर अच्छे से लगा दें। ऊपर थोड़ा सा मैदा ऐसे मैं डस्ट कर दूँगी 1 चम्मच तकरीबन, इसको ऐसे ऐसे एक साइड से पकड़ के खींचना है, खींच के ऐसे इसको साथ साथ से ऐसे इसके करते जाना है, खींचते जाना है ऐसे, इसके इसके लच्छे तैयार हो जाएंगे ऐसे ऐसे करते जाना है, साथ साथ मिलाते जाना है और ऐसे इसको हाथों पे हम रोल करते जाएंगे, 2 उंगलियों पे ऐसे इसको हम रोल करते जाएंगे। जितना लंबा हो सके करें, वो बड़ा बर्तन ले लें, बड़ी चीज़ लेने जिसमें रख के, ये देखिए यही इसके जो हैं वो लच्छे तैयार होंगे, ये जो इसके लेयर्स बन रही हैं ना यही इसके लच्छे हैं। ऐसे नीचे को इसको कर लेंगे, लंबा इसको करते जाएंगे और आगे को निकालते जाएंगे, ऐसे फिर हाथ से निकाल के ये जो है इसके अंदर दे देंगे और ऐसे लंबा करके इसको रख देंगे 5 मिनट के लिए, फिर इसको रेस्ट देंगे। ये देखो 4 पेड़े मेरे हो गए हैं तैयार,
इसके लच्छे हैं, ये लेयर्स जो हैं यही इसके लच्छे हैं। इसको कवर करके फिर 5-10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, रेस्ट लें। ये मैंने एक पेड़ा पकड़ा है, अब उसको ऐसे सीधा करके रख दिया। ये देखिए ऐसे हल्का से इसके ऊपर घी लगाना, घी लगा के हाथों की मदद से इसको, आप बेलन नहीं चलाना इस पर, हाथों की मदद से इसको ऐसे बड़ा करते जाना है आराम आराम से, दोनों साइडें हटा के थोड़ा रेस्ट दे के करेंगे तो आटा जो है वो नरम हो जाएगा। ये देखिए इसकी लेयर्स जो हैं वो अभी कितनी खुल रही हैं, और बढ़ने के बाद ये पक जाएंगे जब, तो फिर कितनी खुलेंगी। बिल्कुल आसानी के साथ हमने बनाए हैं, कोई मेहनत नहीं इस पर इतनी हुई, बस एक रोटी बनाई और इसको पकड़ के खींच के हमने ये इसका पेड़ा बना दिया है। बस थोड़ी रेस्ट दें और आराम आराम से करें, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनाएंगे हम, थोड़ा मोटा ही रखते हैं इसको पराठे को, हाथों की मदद से ऐसे करके फिर हम इसको एक पकाते हैं तवा रख के। चारों मैंने जो पराठे हैं बना लिए हैं, अब मैं मज़ीद इसको अकेला अकेला जब उठाऊँगी तवे पर डालने के लिए तो थोड़ा इसको करती जाऊँगी और डालती जाऊँगी तवे पर। तो ये जो पराठे हमारे तैयार हो चुके हैं, ये देखिए मैंने इतना सा इसको मोटा रखा है, अब इसको तवे पर डालती हैं और बनाती हैं। मीडियम से इसकी आग कर देते हैं, मीडियम फ्लेम पे बनाएंगे, हाई फ्लेम बनाना इनको। साइडों को हल्का हल्का मैंने सेक लगवा लिया, अब इसके ऊपर मैं घी डालूंगी, मैं घी में डाल रही हूँ, घी में मैंने इसको बनाना है। ऐसे इसको काटना जाएगा, इसको ऐसे थोड़ा थोड़ा इसको घुमा के हमने इसको ऐसे दबाना है अंदर को, फिर देखिए इसके सारे जो लच्छे हैं गुड़ी अलहदा हो जाएंगे। अभी इतनी लेयर्स इसकी अलहदा हो गई हैं, इसको हम उतारेंगे। फ्राई कर लिया है, फ्राई करते हैं। हमारे तैयार हो चुके हैं, ऐसे पकड़ के इनको गरम गरम को तवे के ऊपर भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखिए कैसे इनकी से लेयर्स हैं सारी, बिना इतनी मेहनत के हमने पराठे तैयार किए हैं। ये देखिए माशाल्लाह से, ये देखिए कितना ये खुल रहे हैं, कितने इनके लच्छे जो हैं वो अलहदा हो रहे हैं। एक ही पेड़े को हमने ये पकड़ा है, पकड़ के उसको खींचा है, खींच के और वो बस पेड़ा बना लिया। देखिए माशाल्लाह सारे पराठे हमारे जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह, ये कि एक दो एहतियात है, आटा गूंदना है, जब इसको नरम गूंदना, इतना सख्त नहीं कर देना, ये मैदा है ये फिर खुलेगा नहीं, तो यह कि आटा जैसे नॉर्मल हम गूंदते हैं वैसे ही गूंदना है, और रेस्ट दे दे के 2-3 दफ़ा बनाएं। तो ये देखिए माशाल्लाह होटलों वाले स्टाइल में बिल्कुल बिना इतनी मेहनत के हमारे इतने अच्छे लच्छे तैयार हुए हैं इनके पराठों के। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। इसी बात पर इजाज़त चाहती हूँ कि अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके हमारी दुनिया और आखिरत की मंजिलों को, मुश्किलों को आसान करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में।